दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। होशियारपुर के अधीन आते कस्बा दसूहा के गांव शहरीक में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब जमीन के कब्जे को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया और जल्द ही इस विवाद ने खूनी रूप धारण कर लिया। इस विवाद के दौरान कब्जा लेने आए 40 के करीब व्यक्तियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से लगभग 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें दसूहा के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया और इनमें से 2 की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा दसूहा पुलिस पर इस मामले में दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि जिस समय ये विवाद हो रहा था पुलिस भी वहां मौजूद थी और वह मूक दर्शक बनकर ये सारा तमाशा देखती रही। वहीं मौके पर पहुंचे एसपीडी होशियारपुर ने स्थिति का जायजा लेकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही। जी कब्जा करने वास्ते पाए ने असी पुलिस को फोन किया प्रधान साहब ने, तो पुलिस जो आई तो असं गुजर गए, असं गए तो असी खेत च नहीं पहुंचे, उन्होंने सामने आ गए पुलिस ने सामने खड़ो के गोलियां चलाई, जिनी पुलिस सुबह धक्के पुलिस ने गोलियां चलाईया ने तो कह के कौन सी जाने गोली चलाई। हाँ जी भुपिंदर सिंह छनिया के बंदे गुरचरण सिंह उहदा मुंडा ते होर उहनां ने बदमाश बाहरों लै के आए। हाँ जी उहदा मुंडा ते उहनां ने बाहरों बंदे 40 के सद के साडी जमीन ते कब्जा जबरदस्ती करदे सीगे, ते उहनां ने पुलिस वालिआं नूं अहीं फोन कीता, उत्थे पुज्जे मौके ते ते उहनां ने उत्थे मौके ते आ के उहनां दे हुंदे होए साडे ते फायर किते बंदिआं ते 2 बंदे साडे फटर किते, तीजिया मेरे लगी है जी गोली उंगल ते, ते बंदे बहुत सीरीयस है ते इन्हां ने पुलिस वालिआं ने कोई कार्रवाई नहीं कीती। उहनां कौन सी मौके ते भुपिंदर सिंह जी। हाँ जी एक उस तो बाद जी फिर उन्होंने गोलियां गालियां चलाईया, चलाण ते बंदे साढ़े फटड़ होए तो असीं उन्होंने कहा, उन्होंने बंदे फिर भी नहीं पुलिस वालिआं ने फड़े। इत्थे जमीन ते कब्जा करन आए सी बंदे, उन्होंने गोलियां चलाईया, कुछ बंदे इंजर्ड होए है, उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज करती है, उन्होंने फड़न लई पुलिस पार्टियां भेजी, उन्होंने खिलाफ सख्ती तो सख्ती नाल कार्रवाई की जाए। ASP भुपिंदर सिंह बारे कह रहे हैं, वो बारे ASP साहब की ड्यूटी लाती, जो खिलाफ वो कार्रवाई बनती है वो भी अज ही की।